नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में वाहनों का पहिया थमा, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया चालक। सरायकेला में घरेलू विवाद आया सड़क पर, पत्नी ने पति की जमकर पिटाई। एमजीएम में सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म, मरीजों ने ली राहत की सांस। और सरकार ने किया लोन मेले का आयोजन, गरीबों का सपना होगा पूरा। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग के नाम पर चालकों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा की गई है, जिसमें उनका समर्थन मिनी बस एसोसिएशन और स्कूल वाहन चालक संघ के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे जमशेदपुर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं लोगों का आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। साक्षी आम बगान मैदान में शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मिनी बस एसोसिएशन और स्कूल वाहन संचालक संघ के सदस्य मौजूद थे। आयोजन शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक के संरक्षक पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा आयोजित ये किया गया था, जहाँ हजारों की संख्या में वाहन चालक ने एक सुर में पुलिसिया जुल्म के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। वहीं इस संदर्भ में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछले कई दिनों से वाहन चेकिंग के नाम पर जिला पुलिस के द्वारा वाहन चालकों के साथ मारपीट एवं अधिक राशि की वसूली की जा रही थी, जिस संबंध में जिले की वरीय अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था, मगर वरीय अधिकारियों के खामोशी को देखते हुए सभी वाहन चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं अब रोड से टेम्पो, मिनी बस और स्कूली वाहन भी पूरी तरह से गायब हो गए हैं, जिस कारण लोगों को आने जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मगर जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे बर्बरतापूर्ण कार्य को देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि इस लड़ाई में हमारे साथ मिनी बस एसोसिएशन और स्कूली वाहन चालक संघ भी शामिल होंगे। वहीं इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग इनके द्वारा किया जा रहा है, जहां वाहन चालकों के द्वारा टैक्स के रूप में जमा करने वाली राशि की व्यवस्था जमशेदपुर परिवहन कार्यालय में कराई जाए। वहीं नए वाहन चालकों का प्रशिक्षण भी जमशेदपुर में सुनिश्चित हो, ये मांगे उनकी इस हड़ताल में शामिल है। सब डिमांड से पहला डिमांड हमारा ये है कि टेम्पो चालक के स्वाभिमान सम्मान से प्रशासन खेलना बंद करे। दूसरा हमारा मांग है कि परमिट आप यहाँ जमशेदपुर में क्यों नहीं बना रहे हैं? आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए धनबाद क्यों जाना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने के लिए? आप जमशेदपुर में ये करिए। हम बहुत बेमन से, बहुत दुखी होके, बहुत परेशान होके और मरता क्या ना करता इस हद में जाकर स्ट्राइक पर विवश हुए, लेकिन प्रशासन ने लाठी डंडा और बंदूक के जोर पर अत्याचार करने का काम किया है। इसलिए मजबूरी है कि जब आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पर आम जनता को भी परेशानी होती है। और यहाँ आपको बता दें कि सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया स्थित टाटा कांडरा मुख्य सड़क सोमवार को रणभूमि में तब्दील हो गया, जहाँ तीन बच्चों के पिता की पिटाई उसी की पत्नी और बच्चों ने बीच सड़क पर ही जमकर कर डाली। मामला ये है कि चार बच्चों के पिता, जिनका नाम बीरू मछुआ है, उनको प्रेम रोग हो गया और उन्होंने एक विधवा महिला से ब्याह रचा ली, और इतना ही नहीं विधवा महिला से एक बच्चा भी हो गया। तब जाकर इसकी भनक पहली पत्नी और बच्चों को लगी। फिर क्या था, पहली पत्नी और बच्चों ने अपने ही पिता की बीच सड़क पर धुनाई कर डाली। इधर प्रेमिका के परिवार वाले भी पूरे लाव लश्कर के साथ पहले पक्ष के साथ भिड़ गए। इधर पहले पक्ष के भी लोग बीच सड़क पर ही टूट पड़े। वहीं यह सिलसिला लगभग आधे घंटों तक चलता रहा, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस काफी मशक्कत करती रही, लेकिन भला दोनों पक्ष मानने को तैयार हो तब तो खैर। किसी तरह से स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों पक्षों को शांत कराया गया। वहीं इस रण में दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। इधर दोनों पक्षों को थाना लाया गया, जहां मामले की तफ्तीश की जा रही है। सूचना के अनुसार गम्हरिया के रहने वाला एक व्यक्ति किसी विधवा औरत से शादी करके ले आया है, जिसके कारण उसके पहली पत्नी विरोध कर रही है
पत्नी से इसका 3 बच्चा है और विधवा से शादी किया उससे 1 बच्चा है। इसी के कारण दोनों में आपसी विवाद है, तो इसमें लगता है कि दोनों आपस में कुछ कर लेंगे, इसलिए तत्काल पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया है। और इधर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर एमजीएम अस्पताल में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई। एडीसी एसके सिन्हा, अधीक्षक एसएन झा एवं संवेदक के साथ हुई वार्ता के बाद हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। संवेदक की ओर से मांगों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। हालांकि 3 घंटों तक चली वार्ता के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी 3 दिनों से चल रहे हड़ताल को वापस ले लिया। वहीं हड़ताल खत्म होने से मरीजों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर 15 दिनों के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आंदोलन जारी रखा जाएगा। इस बार मरीजों को परेशान किए बगैर भूख हड़ताल किया जाएगा। वहीं एडीसी ने कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संवेदक की ओर से लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल वापस कर लिया गया है। उन्होंने संवेदक से कहा है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जो यहाँ के आउटसोर्सिंग के कर्मियों के जो प्रतिनिधि थे उनसे वार्ता हुई, वार्ता के दौरान बहुत से बिंदु पे बात हुई है कि जो जो उनका डिमांड है अधिकतर डिमांड एजेंसी के द्वारा मान लिया गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनका डिमांड मांग लिया जाएगा। और इसके आश्वासन के बाद इन्होंने अपना हड़ताल वापस ले लिया है और इनके द्वारा कहा गया है कि आगे भी प्रशासन ये पूरा सहयोग करेगा जिससे कि एक अच्छा वातावरण में एमजीएम चले। और यहाँ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लोन मेले का आयोजन जमशेदपुर के मानगो इलाके में सोमवार को किया गया। इस एक दिवसीय लोन मेले का उद्घाटन राज्य के मंत्री सरयू राय तथा जमशेदपुर के सांसद ने संयुक्त रूप से मिलकर किया। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इस मेले में पहुंचकर इसका लाभ उठाया। वैसे ये लोन आसानी से बैंकों में उपलब्ध है, लेकिन लोगों की सहूलियत हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, इस कारण से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को जमशेदपुर के मानगो इलाके में इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के मंत्री सरयू राय तथा जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने पहुंचकर इस लोन मेले का लाभ उठाया। वहीं इस योजना के तहत लाभुकों को 2 लाख तक का लोन सब्सिडी के तहत मिलेगा, जबकि बाकी लोन कम ब्याज तथा आसान किस्तों पर मिलेगा। मौके पर उपस्थित मंत्री सरयू राय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास अपना पक्की मकान हो और इस कारण से उन्हीं के द्वारा इस योजना की शुरुआत भी की गई है, जिसके तहत देश भर में ये लोन उपलब्ध है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इस तरह के मेले का आयोजन कर सरकार इस कोशिश में लगी है कि प्रधानमंत्री के सपने को पूर्णतः साकार किया जाए। इसमें हर आदमी जो कमजोर वर्ग का है जो धनी वर्ग का है दोनों अपना कच्चा मकान है उसके लिए पक्का मकान बनाना चाहते हैं या पक्का मकान बनाना है उसकी मरम्मत कराना चाहते हैं बना हुआ उसमें या उसको बढ़ा देना चाहते हैं 2 कमरा सबके लिए सरकार सस्ता दर बहुत दिलवा रही है। और यहाँ आपको बता दें कि राज्य भर में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में सभी जवान 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर चले गए हैं। जमशेदपुर में भी जिला मुख्यालय के समक्ष इनके द्वारा एकत्रित होकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल सोमवार से शुरू किया गया। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इनके द्वारा पूर्व में भी ये मांगे प्रदर्शन कर उठाई गई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फलस्वरूप इनके द्वारा राज्य भर में कार्य को ठप कर 2 दिवसीय भूख हड़ताल का आह्वान किया गया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में भी इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान इनका कहना था कि इन सभी की ड्यूटी नियमित की जाए, साथ ही समान कार्य का समान वेतन निर्धारित किया जाए, साथ ही साथ ऑनलाइन ड्यूटी निर्गत करने में हो रहे धांधली पर रोक लगाने और होमगार्ड जवानों पर होने वाले वरीय पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण पर भी रोक लगाई जाए। इस संबंध में इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्री मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया है। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य स्तर पर 2 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। उसी को लेकर जिला समिति जमशेदपुर के द्वारा आज भूख हड़ताल किया जा रहा है, जो कल संध्या 5 बजे तक चलेगा।
हमारी चार सूत्री मांगे हैं, सभी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी नियमित किया जाए, सामान्य कार्य का समान वेतन लागू किया जाए, ऑनलाइन ड्यूटी में व्याप्त फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाए, जमशेदपुर जिला कार्यालय में जो भ्रष्ट गिरक्षक और पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई की जाए। हमारी मांगों को लेकर बहुत जोर शोर जोर शोर से आंदोलन हमारा चल रहा था। इसी बीच होमगार्ड मुख्यालय के डीजी हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक आदेश निकाले, ये आदेश निकाले कि ये तथाकथित संघ के बैनर तले ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमारा संघ झारखंड उच्च न्यायालय से जीत हासिल कर संघ का निर्माण किया गया है, निबंधन विभाग झारखंड सरकार से निबंधित है। उसके बाद भी होमगार्ड मुख्यालय के डीजी जो कि खुद फर्जीवाड़ा में पकड़े जा चुके हैं, इनके ऊपर निगरानी में केस होने जा रहा है, इसलिए डर कर इस तरह जवानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। और वहीं सरायकेला खरसवां जिला मुख्यालय में भी होमगार्ड के जवानों ने भूख हड़ताल की शुरुआत की। वहीं गृह रक्षकों ने साफ कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समान काम के बदले समान वेतन मान, गृह रक्षकों को नियमित ड्यूटी, ऑनलाइन ड्यूटी में पारदर्शिता और गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के अधिकारियों की मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहीं इन गृह रक्षकों ने साफ कर दिया है कि इनकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो आगे आंदोलन और उग्र किया जा सकता है। इस दौरान काफी संख्या में जिले के होमगार्ड जवान भी मौजूद थे। सरकार बनी है 2015 में ही और वेलफेयर एसोसिएशन का गठन उस समय हुआ। हम लोग सारे प्रदेश में आंदोलन चलाए तो खुद मुख्यमंत्री जी ने 20 मार्च को हम लोग का आंदोलन चल रहा था, 20 मार्च को आश्वासन दिए थे कि सभी थाना सभी अंचल सभी प्राथमिक एवं जो भी सरकारी संस्थान में ड्यूटी दिया जाएगा। बाद में हमारे जो विभाग के पदाधिकारी है वो उनको गुमराह करते हुए जो है कि संगठन के लोगों पर बहुत क्रश किया गया और संगठन जो है हम लोग फिर हाई कोर्ट से जीत हासिल करके फिर नया बनाए हैं। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। थर्टी स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 स्माइल स्टेशन अ मल्टी स्पेशलिटी लेजर डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ सिटी एट भालूभासा ब्रिज जमशेदपुर, जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान 32 स्माइल स्टेशन है उसका नाम। 32 स्माइल स्टेशन जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है, ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिले डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, KL Tower ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड कदमा। आर मेन ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, जमुटार, भालूभासा, जमशेदपुर। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा, लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद
मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। दैनिक भास्कर अखबार में छपे फॉर्मेट में चिपकाएं 1 किलो के 3 पावर के खाली पैक और जीते इनाम। तो अब कपड़ों की सफाई भी और इनामों की बौछारें भी, तो न छूटने दे मौका। आज की 3 खाली पैक दैनिक भास्कर में छपे फॉर्मेट में चिपकाकर घाटशिला या जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करें और पाएं ढेर सारे इनाम। तो करते रहे सुपर पावर से कपड़ों की सफाई, पढ़ते रहे दैनिक भास्कर और जीतते रहे हीरोइना। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8271033770। आप दैनिक भास्कर के फॉर्मेट में छपे स्टोर्स के पते पर भी अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ जमा करें, दैनिक भास्कर कार्यालय, कॉमर्स प्लाजा, तीसरा तल्ला, मेन रोड, घाटशिला, जमशेदपुर दैनिक भास्कर कार्यालय, चौथा तल्ला, 7SP शॉप एरिया, क्यू रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन कुमार सिंह 9934640605519। ऑफर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मान्य रहेगा। DEPL क्रिएटिंग लाइफ स्टाइल, कई बीघा जमीन, कई प्रोजेक्ट्स। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला शहर के कासिदा में बिल्डर दत्ता रेसिडेंसी लेकर आए हैं आपके सपनों का घर किफायती दरों पर, साथ ही 10 दिनों के विशेष ऑफर के साथ। जी हाँ, 15 लाख वाले 1BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 8 लाख रुपए में, 22 लाख वाले 2BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 12 लाख रुपए में, और 3BHK फ्लैट 35 लाख वाले जिसे आप पा सकते हैं मात्र 20 लाख रुपए में। साथ में स्विमिंग पूल, मंदिर, पार्क, शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर, मैरिज हॉल, बॉय गर्ल्स क्लब, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी विथ CCTV आदि सुविधाओं सहित दत्ता रेसिडेंसी घाटशिला। अपनी जमीन, अपना घर। बुकिंग कीजिए अपना खुद का घर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7004819880933436310 6। साइट एड्रेस NS33 कासिदा, नियर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, POPS घाटशिला, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम, झारखंड 832303। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास।
हमारा पता गोलझा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर टाटा स्टील इंडस्ट्री को अपनी मेहनत और लगन से विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने वाले सर दोराबजी टाटा के 159वें जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिष्टुपुर स्थित सर दोराबजी पार्क में टाटा स्टील के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन, TQM के प्रमुख आनंद सेन, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद एवं कई वरीय अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अपने पूर्व चेयरमैन सर दोराबजी टाटा के 159वें जन्मदिवस के अवसर पर अर्पित की। वहीं इस संबंध में लोगों को संबोधित करते हुए श्री आनंद सेन ने कहा कि आज हम कई नई चुनौतियों के साथ विश्व के मानचित्र पर अपना लोहा मनवा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई नई नई कंपनियां हमारे मुकाबले में खड़ी हैं। पिछले 110 वर्षों से टाटा स्टील अपने फौलादी इरादों के साथ इस्पात का निर्माण कर रही है, जहां कंपनी द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए खेल के साथ साथ लोगों के मनोरंजन के भी कई साधन उपलब्ध कराए गए हैं। जमशेदपुर एवं आसपास में रहने वाले लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की स्थिति पर निर्भर हैं। ऐसे में हम अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने का प्रयास हर चुनौतियों का सामना कर करेंगे। The ability to marshal resources, the ability to command a disparate troop, the ability to reach the destination that Jane Tata had laid down, admirably so, as Ravi mentioned, it still serves us in good stead. I must compliment Sir Dorabji Tata for having done so much good for the state of Jharkhand. और वहीं सर दोराबजी टाटा के 159वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय हॉकी के इतिहास को दर्शाने के लिए 7 दिवसीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें 1930 से लेकर 2018 तक के भारतीय हॉकी को दर्शाया गया। बिष्टुपुर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा 7 दिवसीय भारतीय हॉकी के सुनहरे इतिहास को दर्शाया गया, जिसका उद्घाटन टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल और ऑस्ट्रेलियन हॉकी के पूर्व कप्तान रिक चलस्वेत मौजूद थे, जहां सभी ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर भारतीय हॉकी के इतिहास को जानने का प्रयास किया। वहीं संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन ने कहा कि सर दोराबजी टाटा ने हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कई योगदान किए थे, जिन्होंने 1930 में पहली बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को जगह दिलाई थी, जिसे देखते हुए हम लोगों के द्वारा भारतीय हॉकी के सुनहरे पल को इस एग्जीबिशन के माध्यम से खिलाड़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम अपने देश के इतिहास को जन जन तक पहुंचा सकें। इस प्रदर्शनी में 1928 से लेकर 1964 तक के ओलंपिक टिकट को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। आप लोगों को पता है दोराबजी टाटा जी का इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने इंडिया का पहला जो ओलंपिक कंटिंजेंट था उसको तैयार किया था, और भारत के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। तो हम चाहते हैं कि दोराबजी टाटा जी के हर एक बर्थ एनिवर्सरी पे हम स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करें, और उसके लिए लास्ट ईयर से हम लोगों ने कुछ स्पोर्ट्स के दिग्गजों को बुला के ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें बोरिया मजूमदार जी उसको सपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पीपल थे, आज का फोकस हॉकी पे है। रिक चार्ल्सवर्थ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, और जफर इकबाल जी जो इंडिया के हॉकी के कप्तान और बहुत इंपॉर्टेंट जी रहे हैं, और उन लोग के साथ एक कॉन्वर्सेशन है। और यहाँ आपको बताएं कि टाटा स्टील के निबंधित कर्मचारियों ने सोमवार को टाटा वर्कर्स यूनियन गेट पर ताला जड़ दिया और न तो किसी को यूनियन कार्यालय के भीतर प्रवेश करने दिया और न ही किसी को बाहर निकलने दिया। वैसे पिछले 3 दिनों से ये निबंधित कर्मचारी नियोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर यूनियन गेट के समक्ष बैठे हैं। बावजूद इसके न तो टाटा स्टील प्रबंधन ही इनकी मांगों को सुन रही है और न ही मजदूरों का यूनियन। वहीं इन कर्मचारियों ने टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें टाटा स्टील प्रबंधन का दलाल बताया। इधर इन कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
हम लोग अपने नियोजन की मांग को लेकर यहाँ पिछले 3 दिनों से धरना पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक अध्यक्ष के तरफ से कोई ठोस कार्रवाई या कोई पहल नहीं किया गया है, क्योंकि आज हम लोग तीन अंदर गए हैं, उनको बाहर नहीं जाने देंगे शाम तक, और जो लोग बाहर हैं वो अब अंदर नहीं जाएंगे। मेरा डिमांड सिर्फ नियोजन है कि हमें अस्थायी परमिटी के नाम पर हमको नियोजन मिला है। अभी यहाँ पर हमारे साथ 25-30 निबंधित हैं, ठीक है, ऐसे तो 6,000 निबंधित, लेकिन हम जो नीडी हैं, हम उनके जो यहाँ खड़े हैं उनका नियोजन वो हर हाल में करवाएं, यही हम चाहते हैं। और इधर जमशेदपुर के मंगल हाट फुटपाथ यूनियन के द्वारा 3 वर्षों से अपनी दुकानों के लिए आंदोलनरत दुकानदारों की समस्याओं के समाधान की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई। इनके द्वारा दुकानों से संबंधित सभी दस्तावेज भी जिले के उपायुक्त को सौंपे गए हैं। यूनियन के अध्यक्ष के अनुसार बाजार में 2 यूनियन बन चुकी थी, जिस पर जिले के उपायुक्त ने दोनों को एक होने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन वो एक न हो सके और इसके बाद मंगला हाट फुटपाथ यूनियन को जिले के उपायुक्त ने दुकानदारों के चयनीकरण का जिम्मा सौंपा, जिसके बाद कुल 247 दुकानदारों का लिस्ट इनके द्वारा तमाम दस्तावेजों के साथ जिले के उपायुक्त को जमा किया गया। इन्होंने बताया है कि पूर्व में लगभग 500 दुकानदारों की सूची तैयार कर दी गई थी, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं जो दूसरे जगह पर जाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, इस कारण से अब 247 दुकानदारों की सूची सौंपी गई है। इन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि इनके लिए जल्द से जल्द जगह का चयन कर इन्हें बसाया जाए। उपायुक्त साहब ने इससे पहले मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन से कहा था कि आप लोग जो है जो मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन से जो लोग जुटते हैं आप उनका लिस्ट बना के हमारे पास ला के दीजिए और उसके हिसाब से हम जगह का व्यवस्था करके आप लोगों को बसा देंगे। तो इसीलिए हम लोग आज पूरे दुकानदार जो मंगलाहाट दुकानदार मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन से जुटे हैं उनका लिस्ट बना के लेके आए हैं, और आज भी बहुत से लोग कागज़ लेके आए हैं, लेकिन आज हम लोग कागज़ नहीं लिए हैं। शाम को 7 बजे गांधी मैदान में लेंगे और उनका बाद में फिर हम लोग उपायुक्त को देंगे। अब तक का जितना लिस्ट तैयार हुआ है उसके हिसाब से हम लोग लिस्ट जमा करने आए हैं। अभी तक का हमारे पास 247 का हुआ। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में कुल्हान मानवाधिकार संगठन के द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने जरूरतमंद लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए रक्तदान किया। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में कुल्हान मानव अधिकार संगठन के द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की कई महिलाओं ने रक्तदान कर लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए संस्था के उपाध्यक्ष नीतू शर्मा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से संस्था द्वारा साल में 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे एकत्रित रक्त को जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क पहुंचाया जाता है। मानवाधिकार संगठन की तरफ से हम लोग हर साल में 2 बार कैंप लगाते हैं, जिस संगठन का उद्देश्य ही है कि हम गरीबों को मदद करना है। जैसे बहुत सारे अगल बगल के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी रातों रात ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड का मुहैया हो नहीं पाता है, तो हम लोग ऐसे लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और कुल्हान मानवाधिकार का हमेशा से जो उद्देश्य रहा है उस उद्देश्य को हम लोग सफल बनाने में जुटे हुए हैं। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट,
एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम है तैयार किसी भी वक्त हर हाल, जिनकी सेवा भावना में छुपी है मरीजों की भरपूर सुरक्षा और समुचित देखभाल, जहाँ की अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली है और उसे कहीं बेहतर, सभी प्रकार के स्त्री रोगों, बांझपन एवं मातृत्व संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम इलाज, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर। अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोसिस सिस्टम विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द बेस्ट IVF सेंटर इन कोल्हान, फुली इक्विप्ड विद पेडियाट्रिक नर्सरी एंड PICU, वेल फैसिलिटेटेड OT विद एक्सपीरियंस्ड नर्सेस, बेडसाइड एक्सरे, 2D इको एंड अल्ट्रासाउंड, ENT सर्जिकल डिपार्टमेंट और जमशेदपुर का पहला निजी न्यूनेटल सर्जिकल डिपार्टमेंट। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी, क्विक डिसीजन, फास्ट एक्शन एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट, सर्विसेज फॉर द थैलेसीमिया पेशेंट्स, वेल फैसिलिटेटेड एंड हाइजीनिक लेबर रूम्स, OPD एंड जनरल वार्ड्स, नर्सरी एंड वेंटिलेटर्स, गर्भस्थ शिशु का नियमित चेकअप हो या बंध्याकरण, बच्चों के लिए आपातकालीन सेवाएं हो या फिर टीकाकरण, एंश्योर्स द बेस्ट हेल्थ केयर फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमन एंड चाइल्ड, राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस फैसिलिटी और सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं विद एक्सट्रीम लव एंड केयर, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर, चंद्रा सेंटर नियर होटल सागर, कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर, फोन 0657-2234-001, 2234-040, 8651-004-000। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर, फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166, प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी का गेसिलाम किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोई साफल्य पाई जब थे महादेव बाबू का गेसि तब थे अनेक साफल्य लाभ इस मे बे सर चाकरी सब कुछ तो अनेक ठीक ठाक उन्नी जो प्रेसक्राइब कर मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर
9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था समाधान के द्वारा लगातार चौथे वर्ष भी 15 बेटियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है और इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि लगातार पिछले 4 वर्षों से इस दायित्व का निर्वहन संस्था कर रही है और अब तक 41 बेटियों का विवाह संपन्न हो चुका है और इस वर्ष भी 15 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह समारोह का आयोजन सिद्धगुड़ा स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और 10 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद 15 गरीब बेटियों का चयन किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि इस बार पर्यावरण बचाओ का संदेश देते हुए बारात ई रिक्शा पर निकाली जाएगी, साथ ही जोड़ों को घर गृहस्थी शुरू करने हेतु सभी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बेटियों को स्वावलंबी बनाने हेतु निशुल्क सिलाई मशीन तथा 2 माह तक निशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लगातार चौथे वर्ष में हम सभी लोग सामूहिक विवाह की ओर अग्रसर हैं। इस वर्ष भी 15 बेटियों का विवाह 24 और 25 नवंबर को सिद्धगुड़ा के टाउन हॉल ग्राउंड में होना संपन्न होगा। हम लोग लगातार 3 वर्षों में 41 बेटियों का विवाह करा चुके हैं और इस वर्ष जो बेटियों का विवाह होगा उनका रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर तक चलने वाला है और उसके पश्चात समाधान संस्था के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन के पश्चात जो सूची तय होगी उसमें 15 जोड़े हम सभी लोग तय करेंगे और उनका वैवाहिक कार्यक्रम हम सभी लोग करने जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पिछले दिनों पूरे राज्य भर के डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। इधर सरायकेला खरसवां जिले के 2 डीएसपी दीपक कुमार और संदीप भगत और एक प्रशिक्षु डीएसपी सुमित सौरभ लकड़ा का भी तबादला कर दिया गया है। वहीं सरायकेला पुलिस की ओर से इन पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तीनों अधिकारी भावुक उठे। वहीं जिले के एसपी ने तीनों अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें बेहतर अधिकारी बताते हुए उज्जवल भविष्य की भी कामना की। लेकिन नेचुरल है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो फीडबैक ऊपर अच्छा जाता है और फिर जो है। और दूसरी बात, मैं सुमित के बारे में, सुमित एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया, ये खुशी की बात है कि भाई हमारे स्टाफ में सबने जो है कैरियर शुरू किया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर काफी इम्पोर्टेंट। और यहाँ आपको बताते चलें कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शहर में रोजगार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में मजदूर रोजाना शहर आना जाना करते हैं। बताया जाता है कि ये मजदूर राजनगर क्षेत्र और पोटका क्षेत्र के मजदूर हैं, जो करीबन 80 किलोमीटर रोज साइकिल से आना जाना करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं कुछ मजदूरों का ये भी कहना है कि यदि काफी संख्या में गांव में फैक्ट्रियां होती तो शायद रोजगार करने इन्हें जमशेदपुर शहर नहीं जाना पड़ता और गांव में ही इन्हें रोजगार मिल जाता। हम लोग का गांव में फैक्ट्री कारखाना कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग को उतना दूर जाने पड़ता है। हम लोग का गाँव में कुछ सुविधा हो जाएगा, 200-300 रुपया का काम मिल जाएगा तो हम लोग को उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। और उधर जमशेदपुर शहर में सोमवार को रुक रुक कर हो रहे बारिश से शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, रोजमर्रा के कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को इस दौरान खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अमूमन इन दिनों शहर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में बारिश हो रही है, कभी धूप तो कभी बारिश हो रही है। इस कारण से लोग काफी परेशान है। सोमवार को शहर भर में रुक रुक कर बारिश हुई। इस दौरान अपनी ड्यूटी के लिए निकलने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश होने से चिपचिपाती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिला है। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में पहली बार गृह स्वास्थ्य देखभाल सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिससे बुजुर्ग लोगों का इलाज उनके आवास पर ही संभव होगा। ये यूनिट झारखंड का एक पहला यूनिट है जो इस तरह की सेवा प्रदान कर रहा है।
साक्षी स्थित एक होटल में होम हेल्थ केयर जमशेदपुर के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर उमेश प्रसाद के अलावा कई चिकित्सक एवं उद्यमी मौजूद थे। नई शुरुआत के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा कि यह सेवा मेट्रोपॉलिटन सिटी में पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है, जहां बुजुर्ग लोगों की देखभाल उनके आवास स्थान पर जाकर चिकित्सक करते हैं। उसी तर्ज पर जमशेदपुर में भी उनके द्वारा यह सेवा प्रदान की जा रही है, जिसमें 10 साल से भी अधिक का अनुभव रखने वाले कंपाउंडर एवं नर्स की बहाली की गई है। अलग अलग स्थानों के लिए टीम का गठन मरीजों की देखभाल के लिए किया गया है। संस्था के द्वारा बीपीएल लोगों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। इस बदलते युग में जहां पति पत्नी काम कर अपनी जीविका चला रहे हैं, वहीं घर में पड़े लाचार माता पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मगर अब हम अपनी सेवाओं के माध्यम से उनकी देखभाल सस्ते दर पर कर सकेंगे। मैं इस जो अपना हम हेल्थ केयर खोले हैं, ये जमशेदपुर के उन लोगों के लिए है जो सही में जिनकी जरूरत है, जो हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं, जिनकी परिवार में दिक्कतें हैं, फैमिली नहीं कर पा रहा है, उसको मैं घर में जाकर पूरे सर्विस देने के लिए। जो मान लीजिए घर में बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वो नहीं जा पाते हैं, उनके बेटे लोग चले गए हैं बाहर, और नेट हमारे पास नेट सर्विसेज है, वेबसाइट है, उसमें अगर क्लिक करेंगे तो सारी सुविधा मिल जाएगी। अगर वो उसमें क्लिक करके बोलेंगे हमको ये सुविधा है, ये एड्रेस है, तो हमारे जो स्टाफ हैं जाकर घर में सर्विस देंगे सारे कुछ, जो भी सर्विसेज, जो बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल है वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी बात है, और जो मैं जितनी मैं दिल्ली में जितना मैं ट्रेनिंग किया और दिल्ली में जितना था, यही देखा मैंने कि मैक्सिमम जो पेशेंट हैं यहाँ के आपको बिहार झारखंड के हैं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में वाहनों का पहिया थमा, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया चालक। सरायकेला में घरेलू विवाद आया सड़क पर, पत्नी ने पति की जमकर पिटाई। एमजीएम में सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म, मरीजों ने ली राहत की सांस। और सरकार ने किया लोन मेले का आयोजन, गरीबों का सपना होगा पूरा। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।